स्टूडेंट वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने पूरा तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा है। हमने व्यापार कर लिया, परिवहन कर लिया, संचार कर लिया, सेवाएं कर लिया, पर्यटन वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम करेंगे हमारी चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप मतलब ये जो क्रियाकलाप है, ये तृतीय जो क्रियाकलाप है उसी का ही मतलब पार्ट माना जाता है अगर वैसे देखा जाए तो। तो जो चतुर्थ जो क्रियाकलाप होता है, ये क्रियाकलाप जो है ये बहुत ही विशिष्ट क्रियाकलाप होता है और साथ में ये बहुत ही जटिल भी होता है। मतलब इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही विशिष्ट होते हैं और जटिल कार्य को संपूर्ण करते हैं। अभी ये जो ऐसा क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? ये ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना। इस क्रियाकलाप में मोस्टली वो ही लोग कार्य करते हैं, मतलब जिनको ज्ञान संबंधी मतलब बहुत ही ज्यादा चिंतन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और बहुत ही मतलब बहुत ही ऑब्जर्वेशन और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अभी इसमें देखो, जैसे हमारे जो है एजुकेशनलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे एजुकेशनल होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड बंदे होते हैं। ठीक है, ये किस एजुकेटेड होते हैं यहाँ पे काम करने वाले लोग। फिर ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं, शोध वगैरह के जो कार्य है, शोध करना, ठीक है ना, जो अनुसंधान है, शोध है, मतलब देखो जो हमारा साइंटिस्ट वगैरह का जो लेवल आता है, ठीक है, तो उनका काम क्या है, वो शोध कार्य करते हैं। साइंटिस्ट का काम तो यही है ना, हमारे जो एजुकेशनलिस्ट है वो भी क्या काम कर रहे हैं। तो ये सारा हमारा किस में आ जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाता है। मतलब ये जो इसमें काम करने वाले लोगों का काम जो है वो बहुत ही विशेष तरह का और बहुत ही ज्यादा जटिल होता है। अभी इसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कौन से होते हैं, उच्च बौद्धिक अक्षमता वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, मतलब जिन्हें अपने दिमाग से बहुत ही ज्यादा चिंतन करके क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ये उच्च बौद्धिक व्यवसाय आ जाते हैं इसमें सभी, ठीक है, जितने भी उच्च बौद्धिक व्यवसाय हैं वो इसी चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंतन करके और बहुत ही मतलब ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे कंट्री का क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, और ये अपनी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनमें काम करने वाले लोग होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल स्किल्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है वो इस टाइप की चतुर्थ क्रियाओं में काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे काम करने वाले लोग जो है उन्हें बहुत ही चिंतन, अमूर्त और जो मूर्त जो वस्तु है उसको मतलब बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके ये अपना कार्य करते हैं, अपने अनुसंधान करते हैं, शोध कार्य करते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह का काम किया जाता है वो हमारा किस में किया जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में किया जाता है। अभी चतुर्थ क्रियाकलाप के बाद हमारा आ जाता है पंचम। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो पंचम जो कार्य है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अभी ये जो पंचम क्रियाकलाप है,
इसमें वो लोग आते हैं जो बैठे बैठे हमारे देश के लिए क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। मतलब यहाँ पे काम करने वाले उच्चतम स्तर के लोग होते हैं, ठीक है ना, जो उच्चतम स्तर के क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है, जो उच्चतम स्तर के क्या लेते हैं, निर्णय लेने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए निर्णय लेती है। अगर हमारी कोई कंपनी है तो उस कंपनी का जो सीईओ है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या काम कर रही है, वो भी उस कंपनी को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, निर्णय लेती है। पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जाती है, नीति नियम यहाँ पे बनाए जाते हैं, किसमें, पंचम क्रिया कलाप में। अभी देखो ये जो पंचम क्रिया कलाप होता है, ये ज्ञान आधारित उद्योग होते हैं। क्या होते हैं, ये ज्ञान आधारित उद्योग, ठीक है, जो पंचम क्रियाकलाप है वो ज्ञान आधारित उद्योग होते हैं। मतलब यहाँ पे भी लोगों को अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। यहाँ पे लोग अपने नवीन विचार जो है उसको प्रस्तुत करते हैं, नए नए जो उनके विचार है, नई नई उनकी जो स्किल्स है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। अभी आपने सुना होगा व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग, हम कहते हैं ना स्वर्ण जो कॉलर है, वो जो जॉब होती है इन लोगों की, व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग कहते हैं, जैसे कि इसमें लॉयर्स वगैरह भी आ जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब में, ठीक है, जो बैठे बैठे ऑफिस में अपना क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये लोग हमारे किसमें आ जाते हैं, पंचम क्रियाकलाप में आ जाते हैं। इसके उदाहरण आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लेना, आपको वहां पे सभी उदाहरण जो है इसके मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है वो कौन सा आता है, ये तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो है बाह्य स्रोतन, ठीक है ना, बाह्य स्रोतन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य का मतलब होता है बाहरी, बाहर का, और स्रोतन का मतलब होता है स्रोत, सोर्सेज, ठीक है। अभी ये बाह्य स्रोतन क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाह्य स्रोतन क्या है। देखो बाह्य स्रोतन का मतलब होता है जब कोई भी देश, ठीक है ना, कोई भी विदेशी देश है, कोई भी फॉरेन कंपनी है, कोई भी देश है, जब वो दूसरे देश में, ठीक है, जब वो दूसरे देश में अपना कार्य जो है वो करता है, ठीक है ना, स्थापित करता है, ठीक है, कोई भी देश है जब वो दूसरे देश में अपना कार्य स्थापित करता है या कार्य करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बाह्य स्रोतन कहेंगे। अभी देखो बाह्य स्रोतन का मतलब क्या है, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है, जब वो किसी दूसरे देश में जाकर अपनी कंपनी वगैरह सेटअप कर लेती है। आपने 10th क्लास में एमएनसीज वगैरह के बारे में सुना होगा ना, एमएनसीज होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है। बहुराष्ट्रीय हम क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये जो है किसी एक देश की कंपनी होती है, बट ये क्या करती है, अपने जो कार्य है, प्रोडक्शन जो वर्क है, वो अलग अलग देशों में अपनी फैक्ट्री लगा लेती है, ठीक है। अभी वो अलग अलग देशों में अपनी फैक्ट्री लगाकर जब वो कार्य करती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बाह्य स्रोतन कहेंगे, ठीक है ना। बाहर की कंपनी आके हमारे देश में काम कर रही है, हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, FDI हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है ना, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पे सेटअप हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो हमारे देश में क्या करती है, कार्य करती है। अभी क्या कारण है कि जो बाह्य स्रोतन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, MNCs जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसके पीछे क्या कारण है,
ठीक है। क्या कारण है इसके? सबसे पहला कारण है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो कच्चा माल है वो बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है, बहुत ही लो रेट पर मिल जाता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण यह हमारे यहाँ पे क्या है? चीप लेबर है। चीप लेबर का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, मजदूर जो होते हैं, वो बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। तीसरा कारण है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसकी नीति इतनी उदार है जिसके कारण ये लोग हमारे देश में अपने जो स्रोत है वो लगा देते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। आगे भी ऐसे बहुत सारे कारण है। देखो, रॉ मटेरियल सस्ते में मिल गया, लेबर उनको सस्ते में मिल गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है कि गवर्नमेंट जो है, इसमें हमारा जो है, आपने पढ़ा होगा ना सेल्स के बारे में 10th क्लास में, ठीक है ना, जो सेल्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो गवर्नमेंट इनको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी है सब कुछ में सब्सिडी देती है फॉरेन कंपनीज को, ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी कंपनी सेटअप करे और मतलब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि जब बाहर की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर काम करती है तो वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके जाएगी, इसका फायदा उस देश में रहने वाले लोगों को होता है, फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब साथ साथ चलते, गवर्नमेंट पॉलिसी हमारी इतनी उदार है, ठीक है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा छूट दी जाती है। साथ में जो टैक्स है, शुरू के 5 साल तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे कारण हैं जिसके कारण बाह्य स्रोतन को हमारे देश में क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो ये बाह्य स्रोतन क्या होता है, बाह्य स्रोतन के क्या कारण होते हैं, ये भी हमारा टॉपिक हो गया है। अभी इसमें हमारा लास्ट टॉपिक आता है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन, देखो अंक का क्या करना है, विभाजन करना है ना, अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन का मतलब क्या है कि इसमें ये देखा जाता है कि कौन से देश अपने देश में रहने वाले नागरिकों को कितनी जल्दी सूचना या फिर उसका लाभ उपलब्ध कराता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अंकीय विभाजन। मतलब वो देखता है कि सूचना और लाभ, ठीक है ना, क्या देखा जाता है इसमें, सूचना और लाभ देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि कौन सा देश सूचना और लाभ को कितनी जल्दी से अपने नागरिकों तक उपलब्ध कराता है। तो अगर हम बात करते हैं विकसित देशों की, तो विकसित देश जो है बहुत ही तीव्र गति से अपने नागरिकों को सूचना और लाभ प्रोवाइड करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि विकसित देशों के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, नई टेक्नोलॉजीज है, तो वो अपने स्टेटस का यूज करके क्या करता है, लोगों को बहुत ही जल्दी हर एक चीज की सूचना प्रोवाइड की जाती है और उस कंट्री के में रहने वाले सिटीजन्स को उन चीजों का बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो ये हमारा हो गया अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन में हम बता दिया है कि विकसित देश जो है वो बहुत ज्यादा सूचना और लाभ बहुत तीव्र गति से, बट जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील जो देश होते हैं, वो अपने देश में रहने वाले नागरिकों को सूचना और लाभ बहुत ही धीमी गति से प्रोवाइड करवाता है, बताता है, जिसके कारण उन देश का विकास जो है बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो अंकीय विभाजन हमें क्या बताता है, ये बताता है कि कितना देश कितनी जल्दी से सूचना तथा लाभ उपलब्ध कराता है अपने देश में रहने वाले
लोगों को। तो आज हमारा ये लेसन यही पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।